सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है अक्षय पांडे भाई। आज मैं आपके सामने लेके आ गया हूँ MG की ZS EV। भाई इस गाड़ी को देख के आपको थोड़ा ऐसा लगेगा कि एस्टर को तो नहीं ले आया मैं यार, ये थोड़ा एस्टर जैसी लगती है MG की जो एस्टर है। लेकिन ये गाड़ी है भाई इलेक्ट्रिक EV गाड़ी है MG की। और इस गाड़ी की डिज़ाइन की बात करी जाए, इस गाड़ी की प्राइसिंग की बात करी जाए, इस गाड़ी में कम्फर्ट, इस गाड़ी की रेंज, सब कुछ बहुत बेहतरीन है। फीचर्स के मामले में, लुक के मामले में, रोड प्रेजेंस के मामले में, मतलब आप वीडियो में देख के भी समझ पा रहे होंगे यार, ये ब्लैक कलर में कितनी एक अट्रैक्टिव सी गाड़ी लग रही है। मतलब ऐसा लग रहा है कि ह्यूंडई की आइनिक 5 जैसी थोड़ा सा, मतलब ऐसे लुक थोड़ा सा आपको देखने को लगेगा इसमें। खैर बात करते हैं भाई इसके पूरे डिज़ाइन वगैरह की। फ्रंट से पहले यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं LED DRLs विद प्रोजेक्टर हेडलैम्प फ्रंट में। ये पूरा आपको ऐसे क्रोम सा फिनिश देखने को ऐसे मिल जाता है यहाँ पर ब्लैक में। इस तरीके से डिज़ाइन से आप समझ जाते हैं भाई ये गाड़ी है हमारी EV, क्योंकि जो EV कार्स होती हैं उनको यहाँ पे ऐसे पूरा बंद कर दिया जाता है ताकि इनकी रेंज ज़्यादा बढ़े। EV बैटरी होती है, यहाँ से इसका चार्जिंग का पॉइंट देखने को मिल जाता है। यहाँ से आप इस गाड़ी को इसका चार्जिंग पॉइंट वगैरह एक्सेस कर सकते हैं। भाई इसकी चार्जिंग की अगर बात करी जाए, इसकी रेंज की बात करी जाए, तो कंपनी क्लेम करती है भाई 480 किलोमीटर की रेंज है वन चार्ज में। और आप फास्ट चार्जर से इसको चार्ज करते हैं तो फास्ट चार्जर से 0 to 80% चार्ज हो जाएगी सिर्फ 60 मिनट्स में, ऐसा कंपनी क्लेम करती है। और नॉर्मल चार्जर्स जैसे घर वाले जो चार्जर्स प्रोवाइड करते हैं 7 किलोवाट वगैरह वाले से, उससे अगर आप करेंगे तो भाई 8 से 9 घंटे इसको फुल चार्ज होने में लगते हैं। लेकिन वन चार्ज में इसकी रेंज है 480 किलोमीटर्स। इसका सीधा सीधा कंपटीशन भाई मेरी नज़र में नेक्सॉन EV से है, तो मैं आपको काफ़ी कुछ वहाँ से कंपेयर करके बताने वाला हूँ। भाई इसमें आपको देखने को मिल जाता है फर्स्ट ऑफ 360 डिग्री कैमरा यहाँ पे आपको इसे प्रोवाइडेड है MG का यहाँ पे लोगो, उसके नीचे आपको यहाँ पे फ्रंट कैमरा इसे देखने को मिल जाता है। थोड़े थोड़े एडास के फीचर्स आते हैं, प्रॉपर एडास आपको देखने को नहीं मिलता, लेकिन रियर ड्राइव असिस्ट आता है, 360 डिग्री कैमरा आता है, 6 एयरबैग्स आते हैं इसमें, तो चीज़ें इसमें काफ़ी एडास जैसी हैं लेकिन प्रॉपर एडास नहीं है। यहाँ पे ऐसे टायर आप देख सकते हैं एकदम भाई आपको आइनिक 5 जैसा लगेगा देखने में, एकदम अट्रैक्टिव से टायर जैसे बना रखे हैं भाई, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक की बैजिंग, यहाँ पे से ब्लैक में क्लैडिंग आपको देखने को मिल जाती है। साइड में यहाँ पे डोर्स में क्रोम वगैरह का यूज़ किया है, रिक्वेस्ट सेंसर्स दिए हुए हैं यहाँ पे ORVM, उसके नीचे भी आपको कैमरा, क्योंकि इसमें 360 डिग्री कैमरा आता है। रूफ व्हील्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, एक स्पोर्टी सा भी लुक देते हैं इसको, और एक लग्जरी सी भी गाड़ी आपको देखने को लगती है। बैक से अगर बात करूँ भाई, यहाँ पे आपको शार्क फिन एंटेना आपको देखने को मिल जाता है, स्पॉइलर डिफॉगर के साथ वाइपर्स, और यहाँ पे ZS EV आपको देखने को मिल जाएगा। रियर लाइट्स की बात करें भाई, पूरी LED में आपको रियर लाइट्स देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पे आपको कुछ सेंसर्स भी देखने को मिलेंगे और रिवर्स कैमरा के साथ ZS EV। अब बूट स्पेस की अगर बात करूँ भाई, आप यहाँ से इसको खोल सकते हैं। अब बूट स्पेस की बात करूँ तो यार यहाँ पे ना थोड़ा शोरूम वालों ने कुछ सामान वगैरह रख रखा है, लेकिन बूट स्पेस नेक्सॉन से बहुत ज़्यादा है। इसके नीचे आपको यहाँ पे टायर देखने को मिल जाता है भाई, बूट स्पेस उससे कई ज़्यादा है नेक्सॉन EV से। यहाँ पे आपको एक पार्सल ट्रे और ये ऐसे चार्जर भी आपको प्रोवाइडेड है इस गाड़ी में। तो भाई बूट स्पेस वगैरह तो आपको नेक्सॉन EV से काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। साइड से अगर लुक की बात करी जाए तो भाई साइड से कुछ आपको ऐसा एकदम आप देख सकते हैं, इसका जो पूरा लुक आता है एकदम, साइड प्रोफाइल भी इसकी बहुत ही प्रीमियम निकल के आती है, एकदम अट्रैक्टिव से साइड प्रोफाइल निकल के आती है जब आप गाड़ी रोड में लेके निकलें। तो इसके जो टायर बेसिकली जो एलॉयज टाइप में से फिनिश दिया हुआ है ना, ये 215/55 R17 इंच के जो आपके टायर साइज़ दिया हुआ है, ये बड़े अट्रैक्टिव से लगते हैं यार देखने में एकदम। अब मैं बात करूँ खैर लाइक बैक पैसेंजर्स के लिए क्या क्या प्रोवाइडेड है, कैसा कंफर्ट है, तो यहाँ से आप इस गाड़ी को एक्सेस कर सकते हैं। पहले मैं डोर्स की बात करूँ, एक हार्ड प्लास्टिक और ये कार्बन फाइबर नहीं है, ये सॉफ्ट टच मटेरियल थोड़ा कार्बन फाइबर फिनिश में देने की कोशिश करिए। यहाँ पे एक स्टिचिंग ऐसे प्रोवाइडेड है, यहाँ पे आपको पावर विंडो कंट्रोल्स, बॉटल होल्डर और यहाँ पे आपको एक स्पीकर देखने को मिलता है। अंदर चल के बात करते हैं भाई गाड़ी में कंफर्ट कैसा है पैसेंजर्स के लिए जो पीछे बैठते हैं। यार थाई सपोर्ट इज़ नॉट गुड इनफ, मेरी हाइट ऑलमोस्ट 6 फीट है तो थाई सपोर्ट आप देख सकते हैं, मतलब भाई बैठने में थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंटेड हूँ इस चीज़ से। इसमें नेक्सॉन शायद बाजी मारती है भाई। इसमें आपको देखने को मिल जाता है फुल पैनोरामिक सनरूफ, मैं अभी आपको पूरा एक्सेस करके दिखाने वाला हूँ। ये आप ऐसे देख सकते हैं भाई, यहाँ पे भी ऐसे सॉफ्ट टच कार्बन फाइबर नहीं है, ऐसे सॉफ्ट लेदर में है वो, सॉफ्ट टच थोड़ा सा, लेकिन ऐसे कार्बन फाइबर वैसा लगता है पूरा। सीट्स की बात करूँ तो भाई बहुत कंफर्टेबल सीट्स हैं यार, पूरा ऐसे लेदर में, ब्लैक में ऐसे स्टिचिंग, भाई काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। ये सब आप देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कार्बन फाइबर वाला फिनिश, लेकिन ये सब सॉफ्ट लेदर मटेरियल यूज़ किया गया है। काफ़ी एक अट्रैक्टिव सी है यार ये गाड़ी, बहुत मतलब अंदर बैठने में एकदम प्रीमियम फील आएगी आपको। AC वेंट्स यहाँ प्रोवाइडेड है, चार्जिंग सॉकेट, यहाँ पे मैगजीन होल्डर्स वगैरह आपको दिए हुए हैं। सीट्स आप देख सकते हैं भाई, मतलब इनफ स्पेस है यार, और हेडरेस्ट भी काफ़ी अच्छा हेडरेस्ट है।
खैर मैं आर्म रेस्ट भी यहाँ पे प्रोवाइडेड है आपको, तीन हेडरेस्ट आपको यहाँ पे पीछे दिए हुए हैं, यहाँ पे एक आपको आर्म रेस्ट दिया हुआ है जिसमें आपको दो कप होल्डर्स प्रोवाइडेड हैं, और इनकी प्लेसिंग भी काफ़ी है भाई। इसका पूरा प्लेटफॉर्म जो है फ्लैट है, मतलब तीन लोग आराम से बैठ सकते हैं पूरा कंफर्ट में, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, तीन लोगों के लिए आराम से स्पेस है इसमें। खैर अब बात करते हैं भाई इसके इंटीरियर की, फ्रंट इंटीरियर की इसमें भाई। सो भाई अब चलते हैं एम जी जेड एस ई वी के अंदर। पहले इसकी कीज़ की बात कर लें, आपको कुछ ऐसे इसको कीज़ देखने को मिलेगी। इसमें भी पूरा ऐसे रेड फिनिश, प्रॉपर लॉक एंड लॉक होल्ड, बूट होल्ड का अनलॉक किया इस गाड़ी को, रिक्वेस्ट सेंसर के साथ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। फ्रंट में से डोर्स की बात करूँ, पूरा हार्ड प्लास्टिक, यहाँ पे सॉफ्ट टच कार्बन फाइबर वाली जो फील आती है ना, वो पूरा यहाँ पे से लेदर में दे रखी है स्टिचिंग। यहाँ पे आपको मिरर के कंट्रोल्स, लॉक अनलॉक की बटन्स यहाँ पे से देखने को मिलती हैं। ये आता है भाई अपना बॉटल होल्डर स्पीकर्स के साथ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल सीट्स, ये आप देख सकते हैं, ये आप इलेक्ट्रॉनिकली इसको एडजस्ट कर सकते हैं, आगे पीछे करना इधर से देख सकते हैं। यहाँ से आपको बूट एक्सेस करने को मिलेगा, यहाँ पे आपको हेडलैम्प्स वगैरह का पूरा लेंथ वगैरह सेट करने को देखने को मिलेगा। ये इसके एसी वेंट्स। चलिए इस गाड़ी को स्टार्ट करके दिखाते हैं क्या है इसके इंटीरियर में, कैसी लगती है गाड़ी अंदर से, क्या कुछ फीचर्स एमजी ने दे रखे हैं इसके अंदर। पहले भाई बात करें इसके इंटीरियर की, फ्रंट में ये पूरा ऐसे सब लेदर में फिनिश है एकदम, और ये सॉफ्ट टच कार्बन फाइबर जैसा फील देगा, लेकिन ये लेदर में पूरा फिनिश दे रखा है, काफ़ी प्रीमियम सा यार एक डैशबोर्ड फील दे रहा है ये एकदम। पहले इस गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं, यहाँ पे बटन दी हुई है और ये गाड़ी हो गई हमारी स्टार्ट। ये एम जी के आपको ऐसे पूरा वो देखने को मिलेगी प्लेसिंग। भाई कान बंद कर देते हैं, ये आप देख सकते हैं बैटरी लो है इस गाड़ी की, भाई शोरूम में खड़ी है बैटरी तो लो होगी होगी। खैर अगर बात करें यार इसके पूरे इंटीरियर की, तो काफ़ी गजब का प्रीमियम फिनिश में इंटीरियर दे रखा है। यहाँ पे एसी वेंट्स आपको देखने को मिलते हैं, मैं फैन ऑफ कर दूँ इसका। ये आपको इधर एसी वेंट्स, ये पैसेंजर्स के लिए सीट्स इधर, और इधर आपको ग्लव बॉक्स। अब बात करते हैं भाई इसके फीचर्स वगैरह की, कि क्या क्या इसमें प्रोवाइडेड है। सबसे पहले तो भाई इसमें आपको देखने को मिल जाता है 360 डिग्री कैमरा, वो मैं आपको दिखाता हूँ, जिसकी क्वालिटी ये एमजी की दुनिया है जो एमजी अपने कैमरे से दिखा रही है, लेकिन काफ़ी गंदी क्वालिटी यार एमजी में, एक मतलब तो है कमी भाई उनके जो कैमरा क्वालिटीज़ होती है ना उसमें, वो इम्प्रूव नहीं करते हैं यार। इधर आपको एसी के कंट्रोल्स वगैरह देखने को मिलते हैं, यहाँ से आप अपना कंट्रोल कर सकते हैं, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, जियो सावन और काफ़ी सारी चीज़ें। यहाँ पे आपको बैटरी वगैरह भी दिखती रहेगी कि आपकी गाड़ी कितने परसेंट चार्ज्ड है और कितनी रेंज बची हुई है इसमें। यहाँ पे आपको इंफोटेनमेंट के कंट्रोल्स देखने को मिलते हैं, इस इंफोटेनमेंट टच वाले में पूरा ऑलमोस्ट आपको ज़रूरत के सब कुछ यहाँ पे डिस्प्ले मिल जाएगा। यहाँ पे आपको पार्क असिस्ट मिल जाता है देखने को, आई कॉल 24 आवर्स अवेलेबल, और व्हीकल सेटिंग्स वगैरह में आप जा सकते हैं यहाँ से। ड्राइव असिस्ट आपको देखने को मिल जाता है, रियर ड्राइव असिस्ट, लैंप वगैरह भी आप यहीं से एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब यार भाई बहुत एडवांस्ड गाड़ी है यार ये। फीचर्स के मामले में बात करूँ तो आई गेस अगर मैं बोलूँ तो यार गलत नहीं हूँ, नेक्सॉन ईवी से ज़्यादा फीचर्स इसमें दे रखे हैं और काफ़ी प्रैक्टिकल फीचर्स हैं। मतलब कुछ फीचर्स होते हैं यार कि आलतू फालतू कोई भी कंपनी डाल देती है यार, अरे ऐसे ही है, यूज़फुल नहीं लगता। लेकिन इसके जितने फीचर्स मैंने एक्सप्लोर करे हैं यार, सारे के सारे फीचर्स इसके बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे लगते हैं कि प्रैक्टिकल हैं, मतलब यूज़ में हैं वो। और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, ये यूएसबी टाइप, ये सी टाइप, और ये आपको ट्रैक पैड वायरलेस चार्जिंग का। ये इसका पूरा सेंटर कंसोल, इसमें आपको ब्लैक पियानो फिनिश में पूरा दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं भाई। अलग अलग मोड, कर्स, बैटरी, अलग अलग मोड्स आते हैं इसमें। यहाँ पे आपका ये गेयर बॉक्स, ये इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक्स, पार्किंग असिस्ट, ये ऐसे स्टाइलिश वे में एकदम दिए हुए हैं आपको कप होल्डर्स। यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं इसका थोड़ा बहुत स्पेस जो भी दिया हुआ है। एक आर्म रेस्ट, मतलब यार अंदर से अगर मैं बात करूँ तो भाई बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम गाड़ी लग रही है। इसके स्टेयरिंग की बात करें यार, इसमें पूरा लेदर का फिनिश दी। ये बात करें भाई इसके क्लस्टर की, तो यहाँ पे आपको बैटरी की रेंज, TPMS वगैरह वगैरह सब कुछ दिखाएगा, और साथ ही साथ यहाँ पे पूरा डिजिटल में आता है ये देखने को भाई, रेंज कितनी बची है, कितना आपका टायर प्रेशर है, सब कुछ यहाँ पे आपको डिजिटल में से देखने को मिलेगा, रेंज सब कुछ। अब बात करूँ भाई इसके सबसे बड़े एडवांटेज की यार, इसमें आता है पैनोरामिक सनरूफ, उसका एक्सेस मैं आपको करके दिखाता हूँ। आप यहाँ से जैसे बटन दबाएंगे भाई, ये आपका सनरूफ ओपन हो गया, और सनरूफ बहुत लाइक काफ़ी पैनोरामिक सनरूफ है तो भाई बहुत बड़ा सनरूफ है यार, मतलब आपको बहुत स्पेस देखने को मिल जाएगी, इसे आप आराम से निकल सकते हैं। यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर्स देखने को मिलते हैं। अब मैं दिखाता हूँ आपको भाई इसका सनरूफ ओपन करके,
इस बटन से आप जैसे करेंगे, अब आप देख सकते हैं इसका सनरूफ ओपन हो रहा है, और सनरूफ बहुत बड़ा सनरूफ है यार, आप देख सकते हैं। मतलब आपको भाई एकदम पूरा खुला खुला सा आसमान नज़र आएगा, ईवी चलाते हुए भी अलग मज़े आएंगे यार, क्या प्रीमियम कार बनाई है एमजी ने। तो भाई डैशबोर्ड की बात करें, इसके फीचर्स की बात करें यार, भर भर के फीचर्स, भर भर के टेक्नोलॉजी भर रखी है यार ईवी ने इस गाड़ी में। ये था भाई मेरी तरफ़ से इसका एक शॉर्ट रिव्यू, और इस गाड़ी के बाहर निकलते हैं अभी भाई। अब चाहे बात करें इसके डैशबोर्ड की, चाहे बात करें इसके कंफर्ट की या रेंज की, गाड़ी बहुत बेटर है, मतलब नेक्सॉन ईवी के कंपैरिजन में तो बहुत बेटर है। बस प्राइसिंग की अगर बात करूँ तो भाई ये गाड़ी ऑलमोस्ट, ये टॉप एंड वेरिएंट है, तो ये गाड़ी आपको ऑलमोस्ट, मतलब मेरे हिसाब से मान के चलिए आप प्राइसिंग वगैरह देख के, तो 27-28 लाख रुपए ऑन रोड में पड़ेगी। लेकिन गाड़ी गाड़ी यार, मतलब ईवी के हिसाब से, जैसे जैसे ईवी में रिवोल्यूशन आ रहा है और चीज़ें बदल रही हैं ईवी के इसमें सेगमेंट में, तो गाड़ी यार वैल्यू फॉर मनी मुझे लगी है। और भाई बहुत प्रैक्टिकल फीचर्स हैं इस गाड़ी में, गाड़ी पूरी एस्टर की याद दिलाती है आपको अंदर से, लेकिन गाड़ी में बहुत कुछ चेंजेस हैं, काफ़ी गज़ब की गाड़ी बना रखी है एमजी ने। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।